Hey guys, welcome to Social Friend YouTube channel. और इस सेशन में हम एक्सेल के एक और फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे. ये है इंसर्ट मेनू में पावर टेबल. पावर टेबल के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, होता क्या है और इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम एक डेटा बनाएंगे, यहाँ पर एक कंपनी का. इसके बारे में अगर दो तीन लाइन समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो. पावर टेबल का हम यूज तब करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा डेटा हो, बल्क डेटा, और उसको पूछा जाए डिपार्टमेंट वाइज, बताइए कि आपके पास कितना, इस डिपार्टमेंट में कितना सामान बिका, या क्वांटिटी वाइज दिखा दीजिए कि कितना बचा, या कस्टमर वाइज दिखा दीजिए, या एम्प्लॉइज वाइज कि आपने कितना बेचा. तो ये ज़्यादातर ये शॉपिंग मॉल में यूज़ होता है. तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको ये पूरा कहानी समझ में आ जाएगा. ओके, तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ पर हमने मर्ज से एंटर किया, और हम यहाँ पे नाम लिख देंगे जो शॉपिंग होगा, जो कंपनी होगा. ठीक है, तो मैं एकदम मार्केटिंग कंपनी. इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं. और यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना काम. सो हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम क्लिक करके मर्ज अक्रॉस करेंगे. मर्ज अक्रॉस करने से ये फायदा होता है कि यहाँ से कॉलम रिमूव हो जाता है और आपका जो वर्क होगा वो प्रॉब्लम में नहीं आएगा. यहाँ पे हम करेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे हम लिखते हैं एम्प्लॉय नेम, इसमें लिखते हैं हम डिपार्टमेंट, और नेक्स्ट में हम लिखेंगे मॉर्निंग सेल. और इस मॉर्निंग सेल को हम समझेंगे कैसे ये यूज हो रहा है. यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट किया इस एरिया को, जितना पे हमें डेटा चाहिए. और यहाँ पे हम पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कलर के साथ. हमने क्लिक किया और कलर ऐड कर लिया. इसके बाद इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट कर देंगे हम ढंग से. हमने बोल्ड कर दिया. यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर होगा, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं और इसको क्लिक करके यहाँ पर हम फील्ड सीरीज करते हैं तो नंबर में मिल जाता है. अब देखो यहाँ पर एम्प्लॉई नेम की बात हो रही है, तो यहाँ पर एम्प्लॉई में आप नाम दे दो कि कौन कौन मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रहा है. तो उनके नाम लिख दो, ऐसे लिख देते हैं हम, कोई लिख दिया रेखा, और कुछ लोग के हम नाम लिख देते हैं ज्योति, आनंद. कोमल, रजत, रंजीत. और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट देते हैं, जैसे कि रेखा का डिपार्टमेंट है किड्स वेयर, और ज्योति का डिपार्टमेंट है मेंस वेयर, आनंद का डिपार्टमेंट है वॉच हाउस, और कोमल का डिपार्टमेंट है लेडीज वेयर, रजत का डिपार्टमेंट है एक और हम देते हैं यहाँ पर कॉस्मेटिक. यहाँ से हम एक बॉर्डर हटा देते हैं. देखो जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जितनी बार अगर उनके डिपार्टमेंट से सामान बिकता है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर आकर लिखवाते रहेंगे. जैसे मान लो कि रेखा के पास कोई बंदा आया, कोई कस्टमर आया किड्स वेयर में, और उन्होंने 3000 का सामान खरीद लिया. और ज्योति के पास आया मेंस वेयर में कोई कस्टमर,
वहाँ से उन्होंने परचेस कर लिया 1,000 का सामान। और आनंद के पास वॉच हाउस में आया, कोई अच्छा खासा सामान खरीद लिया, इसमें से कुछ घड़ियाँ खरीद लिया, तो कम से 8,000 का मार्केटिंग उसने किया। और लेडीज़ वेयर में कोमल के पास कोई आया कस्टमर, और यहाँ से उन्होंने 1,200 रुपये का सामान खरीदा। रजत के पास जब कोई आता है कॉस्मेटिक में, तो यहाँ पर वो उससे 12,000 रुपये का सामान खरीद लेता है। अब देखो ध्यान से, फिर से रेखा के पास कोई और आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर रेखा के पास एक और आएगा बंदा किड्स वेयर में, और देखो यहाँ पे पहले 3,000 रुपये का सेलिंग रेखा ने किया, और फिर से कोई और बंदा आ गया, 2,000 रुपये की वो सेलिंग हो गई इनकी। अब फिर देखो रेखा की बात हो रही है, फिर से ज्योति के पास कोई आ गया, ज्योति वर्क करती है मेंस वेयर में, और अभी देखो यहाँ पे 1,000 था, यहाँ पर हमने दे दिया फिलहाल 3,500 रुपये। कस्टमर आते रहेंगे दिन भर में, दिन भर की पूरी इनको सेलिंग दिखानी है कि मॉर्निंग में, सॉरी मॉर्निंग की पूरी इनको सेलिंग दिखानी है। एक टाइम होगा, एक टारगेट उनका होगा कि एक दिन में मॉर्निंग में ये कितना सेल करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड रखना हमें, ठीक है? तो चलो इसको हम देख लेते हैं कैसे करना है। जब हमारे पास डेटा रेडी हो जाएगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पे जाकर के हम यहाँ पे लिखा होगा पिवट टेबल, सो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है टेबल रेंज, सो इसका रेंज है मतलब जैसे D7 से लेकर के H14 तक। इसको हम ओके करेंगे, और ओके करने के बाद पावर टेबल इज नॉट वैलिड टू क्रिएट पावर टेबल रिपोर्ट, यू मस्ट यूज डेटा रिकॉग्नाइज दिस टेबल लेबल कॉलम इफ यू और चेंज इन द नेम। एक मिनट, जस्ट वेट। चलो देख लो इसको, आप यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे पावर टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब ये देख सकते हो यहाँ पर एक कुछ चार्ट आ गया। इस चार्ट को आप देखने के लिए कुछ अलग तरीके से, कि मान लो आपका बॉस पूछ देता है कि एम्प्लॉय नेम बताओ, कौन सा एम्प्लॉय मॉर्निंग सेल में कितना कितना बेचा सामान, तो वहाँ आप देख सकते हो। देखो यहाँ आप दिख रहा है आनंद, ज्योति, रजत, रेखा, ऐसा क्यों दिख रहा है? चार लोग का ही नाम, तो मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। देखो यहाँ पर कितना काम कितना हुआ है, मैं यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, जो हमारा जो वर्क हुआ है 6 टाइम हुआ है, और एम्प्लॉय कितने, रेखा 1, ज्योति 2 और अनंत 3, रजत 4, ठीक है? 4 हमारे पास पर्सन है, लेकिन जो काम हुआ है 6 टाइम हुआ है, तो वो चीज़ देख सकते हो। इसमें जो रिपीटिव फॉर्म्स होते हैं ना, उनको भी एक साथ वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे वो पूछ दिया, अभी बात होती है, ठीक है साहब कौन सा बंदा किस किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो बताओ, तो क्लिक करोगे आप यहाँ पर एम्प्लॉय में और डिपार्टमेंट पे, वो दिख जाएगी। आनंद काम करता है वॉच हाउस में, ज्योति काम करती है मेंस वेयर में, रजत काम करता है कॉस्मेटिक में, रेखा काम करती है किड्स वेयर में। जैसा कि यहाँ पे डेटा था हमारे पास रिप्रेजेंट, कि रेखा किड्स वेयर में, ज्योति मेंस वेयर में, आनंद को वॉच हाउस और रजत कॉस्मेटिक, ठीक है? तो ये देखो रिपोर्ट हमारे पास है। ये जो रिपोर्ट है, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सर बताओ मॉर्निंग सेल कितना हुआ है, ठीक है, तो आप बता सकते हो सर कि 23,400 रुपये। अब यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल डेटा था, तो कोई कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन जो हम पिवट टेबल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली दिख जाएगा। अब देखो ध्यान से, कि अब पता करना है कि था सर बताओ किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना सामान बिका, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक में 10,000 दिख रहा है, ऐसा क्यों है मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कॉस्मेटिक की बात हो रही है, तो 10,000 यहाँ पे है ही ऑलरेडी। हम बात करें थोड़ा सा किड्स वेयर के बारे में, तो किड्स वेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, किड्स वेयर में 10,000 क्यों है वो हम देखते हैं। अब यहाँ देखो रेखा जो काम करती है किड्स वेयर डिपार्टमेंट में, 3,000 रुपये, एक बार कोई कस्टमर आया उसको सेल कर दिया। उसके बाद देखो रेखा ने फिर क्या किया, किड्स वेयर में 2,000 रुपये, कोई और कस्टमर आया 2,000 का सेलिंग कर दिया। फिर रेखा ने फिर क्या किया, फिर 5,000 का सेल कर दिया यहाँ पर, ठीक है? तो दिया 2, 3, 5 और 5, 10 हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिपोर्ट को हम अलग अलग टाइप में दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई डेटा बढ़ाना है तो उसके लिए भी एक है यहाँ पर, आप कर सकते हो। आप सीट पे जाओ, देखो
अब यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करना है या आपको ऐड करना है, मान लो यहाँ पे आपको एक और फील्ड ऐड करनी है कि साहब यहाँ पे इवनिंग सेल दिखा दीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे इवनिंग सेल, इवनिंग सेल। और नीचे अगर के इसी इसी डिपार्टमेंट में, मान लो इसी डिपार्टमेंट में 10,000 का सेल हो गया, और ज्योति का मेंस वेयर में 500 रुपये केवल सेलिंग हुआ, और रेखा का किड्स वेयर में 15,000 का सेलिंग हो गया, और वॉच हाउस में आनंद के पास कोई आया कस्टमर 12,000 का सेलिंग हो गया, और रजत के पास कॉस्मेटिक में कोई आया 3,500 का सेलिंग हो गया, ओके। और रेखा के पास फिर से कोई किड्स वेयर में आया, यहाँ पे 100 रुपये का सामान ले गया। तो इस चीज़ को हमें ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए क्या लिखेगा, आप वापस अपने पावर टेबल पर क्लिक करिए। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और रिनेम करके, ये हमारे पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट। इसका हम रीनेम भी चेंज कर सकते हैं सीट का। ये हमारे पास डेटा है, ये समझने के लिए ओके। अब वापस आइए, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हमें एनालाइज, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन, तो हमें जाना है एनालाइज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे लिखा हुआ चेन डेटा सोर्स, सो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका जो रेंज है वो हम बढ़ा देंगे, ओके करेंगे। देखो अब यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया कॉलम का इवनिंग सेल, सो इसको हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं किस डिपार्टमेंट में कितना कितना सेल हुआ है। तो आप देख सकते हो टोटल कॉस्मेटिक में मॉर्निंग सेल में इतना हुआ, इवनिंग सेल में इतना हुआ, तो वो चीज़ें पूरी पूरी यहाँ पे शो करती हैं, ओके। अब आपको ये देखना है कि ठीक है साहब जो एम्प्लॉइज लोग हैं वो कितना कितना सेल किए हैं, इवनिंग सेल में कितना है, तो आप डायरेक्टली दिखा सकते हो। मतलब ये है कि जिस जैसे भी पूछा जाए आप हर एक टाइप में दिखा सकते हो, ठीक है। अब कहते हैं ठीक है यहाँ पे डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ऐसा करो कि किड्स वेयर को छोड़ करके बताओ कि कितनी इनकम हुए, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हो। शॉर्टिंग करने का तरीका है कि आप देख सकते हो यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, क्लिक करो, आप फील्ड को रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। मूव करना चाहोगे तो मूव फिल्टर कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर। अब एक और चीज़ देखो यहाँ से, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ स्लाइसर, स्लाइसर क्लिक करना, आप किस चीज़ का बनाना चाहते हो, डिपार्टमेंट का, ओके करो। यहाँ पर मिल गया एक स्लाइसर डिपार्टमेंट का आ गया। एक और स्लाइसर चाहते हो तो एक और स्लाइसर मंगा लो, किस चीज़ का, हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम का, सो ओके करो। देखो यहाँ पर मेरे पास दो स्लाइसर आ गया, इससे फ़ायदा क्या होगा, एक बटन टाइप हो गया। अब वैसे क्लिक करोगे ना किड्स वेयर, तो किड्स वेयर का कितना है वो दिख जाएगा, मेंस वेयर, अच्छा ठीक है मेंस वेयर में कितना है, वॉच हाउस के में कितना है, कॉस्मेटिक में कितना, वो दिख जाएगा। अब डायरेक्टली अगर एम्प्लॉयज वेयर देखना चाहते हो, देखो रजत किसमें काम करता है, वॉच हाउस में, ज्योति किसमें काम करती है, मेंस वेयर में, रेखा किसमें काम करती है, किड्स वेयर में, इस तरह से और भी बेस्ट हो जाता है ये हमारा स्लाइसर, ठीक है। चलो इसको आप एनालाइज करके अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद ये स्लाइसर जो होता है ना, ये आपको एमएस ऑफिस के 2016 वाले वर्जन में मिलेगा, अभी तो ऑफिस एमएस ऑफिस का 2019 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये 2007 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा, आपको यूज़ करो 2016 तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। यानी रिपोर्ट को जिस टाइप से पूछा जाए, किड्स वेयर अगर इधर क्लिक करो तो आपको इधर शो कर जाएगा, कॉस्मेटिक में कौन काम करता है, रजत काम करता है, ये सब सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मान लो कोई डेटा चेंज करनी हो, जैसे क्या कोई का कुछ मिस्टेक हो गया अमाउंट में, नाम में, ठीक, तो वहाँ पर आप संशोधन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ज्योति है मेंस वेयर में काम करती हैं, तो मेंस वेयर में इन्होंने बोला मॉर्निंग मैंने सेल ज़्यादा किया था, आपका आपने इतना ही क्यों मान रखा, हमारा सेलिंग तो 3,000 का था, तो यहाँ पे आप 3 लिखो, ठीक है। जैसे आप यहाँ लिख दोगे और ज्योति ने बोला कि ठीक है मेरा नाम ज्योति वर्मा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप सेट करना चाहो तो उसको कैसे सेट करो वो दिखाता हूँ मैं। रिपोर्ट पर जाओ यहाँ पर आप, और रिपोर्ट पर जाने के बाद करना क्या है हमें, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को हम क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और
देखो यहाँ पर ऑप्शन है एनालाइज पे जाओ, यहाँ पे होगा रिफ्रेश, तो रिफ्रेश ऑल करना। तो जैसे हम रिफ्रेश ऑल करेंगे देखो ज्योति वर्मा का यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपना पूरा चेंजेस कर सकते हैं। और ये देखो मॉर्निंग सेल जो था हमारे पास 3000 जो हमने चेंज किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से पावर टेबल में आपने ये जाना कि कैसे हम एक नॉर्मल डेटा को एक रिपोर्ट के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डेटा को हम जिस जैसे अकॉर्डिंग मतलब जिस तरीके से पूछा जाए आप हर एक वे में दिखा सकते हैं। तो ये था।